प्रेस क्लब बदीन ऐवान सहाफ़त पारा सखर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल कातल के अदम गिरफ्तारी खिलाफ़ एहतजाजी मुजाहरों किया। बदीन मां ॾिसूं था इमरान अब्बास की ये रिपोर्ट। बदीन में प्रेस क्लब बदीन ऐवान सहाफ़त बदीन पारा सखर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल कातल की अदम गिरफ्तारी खिलाफ़ बदीन प्रेस क्लब अगैं एहतजाजी मुजाहरों किया। इन मौके से एहतजाज कदड़ सहाफ़िन जो चवण हो तो शहीद जान मोहम्मद महर के हवाले से अज एहतजाज है। असा सिंध गवर्नमेंट का या पुरजोर अपील था करूँ तो जेस तई उन कातल के गिरफ्तार कर सरेआम फांसी नी दी वे तेस तई एहतजाज जारी रहा। सिंध जो बेहतरीन बाद रिपोर्टर जान मोहम्मद के बहरेमाना तरीके से गोलियों हणी जो है कत्ल किया वो है उनके हक सच के आवाज के दबाने के लिए उनते जो है हमलों कर उनके शहीद किया वो है। ये एहतजाज असो जो है अज न हों पर एहतजाज मुसलसिल जारी हों। सिंध सिर्फ पुलिस स्टेट बनल है। शहीद जान मोहम्मद महर जो नौजवानी जो कत्ल न हिकड़े सहाफ़ी जो कत्ल है पर ही उन मजलूम मानन जे हकन जो कत्ल है। जिन मजलूम मानन ला जान मोहम्मद महर समेत समूरा सहाफ़ी इन वक्त या तो कत्ल थी चुका है या कसम परसी वाली हालत में गुजारे रहा है। जिन जे बहादुर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद के कत्ल करे सिंध जे सच के दबाने की कोशिश की हुई है। जेस तई असांजे दोस्त जा कातिल गिरफ्तार न था थन तेस तीन असि जदोद जारी रही। अज प्रेस क्लब बदीन ऐवान सहाफ़त सवे जगह सहाफ़िन और रोडन ते असो मुतालबो यो है शहीद जे कातिल फौरी गिरफ्तार कर उन्होंने सरेआम जो फांसी दिनी वे। इन में सब का वही है पुलिस जी नाकस कारसाजी है उनकी कारकर्दगी ना होने के अजा ती असो दोस्त जो अजा ती खून जोड़न पा पुलिस वाला। सहाफ़िन मुतालबो किया तो जान मोहम्मद महर के कातलन के फौरी गिरफ्तार करे उन्हें के कैफ़र किरदार तई पहुँचाया वे। इमरान अब्बास, एसएस न्यूज़, बदीन।